वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट वन स्टार्ट किया था, उसमें हमने एनालॉग सिस्टम स्टडी किया था, बेसिक डेफिनेशन एंड वेवफॉर्म, दैट इज साइन वेव इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल, तो वो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। अभी आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एनालॉग सिग्नल, उसका मेजरमेंट, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे विथ डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम क्या होता है, किस तरह से वर्क होता है, एंड देन वी स्टार्ट विथ द आवर न्यू टॉपिक नंबर सिस्टम। सो लेट स्टार्ट। सो मेज़रमेंट जो एनालॉग सिग्नल का, ठीक है, तो उसके लिए एनालॉग मल्टीमीटर यूज़ होता है टू मेज़र द एनालॉग सिग्नल। इन ओल्डन डेज एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आर डेवलप बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, दैट इज़ एनालॉग मल्टीमीटर। ओके, तो आपने लैब में देखा होगा, ठीक है, तो ये फिगर 1.2 में दिया है कि दैट इज़ अ एनालॉग मल्टीमीटर। तो इसमें एनालॉग मल्टीमीटर में आप एनालॉग वोल्टेज और योर करंट कैन बी मेजर, ठीक है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है, द प्रॉब्लम इन्वॉल्व विद द एनालॉग मल्टीमीटर इज़ द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का एक मेजर इश्यू है एनालॉग सिग्नल मेजरमेंट में बाय यूजिंग अ एनालॉग मल्टीमीटर, बिकॉज रीडिंग टेकन बाय ईच पर्सन विल बी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट्स आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिस तरह से ये पॉइंटर मूव होगा स्केल के ऊपर, उस हिसाब से आपको वोल्टेज एंड करंट मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, बट ड्यू टू द रीडिंग चेंजेस बाय डिफरेंट व्यूइंग एंगल्स, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ईच पर्सन के लिए जो भी वोल्टेज और करंट का रीडिंग है तो वो अलग अलग आ सकता है या अलग अलग मेज़र कर सकते हैं ईच पर्सन, तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है एनालॉग सिग्नल मेजरमेंट का। सो एक्यूरेसी इज ऑल्सो लिमिटेड बाय इंटरनल एंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर। सेकंड थिंग ये भी है, एक तो पर्सन टू पर्सन एरर आ सकता है, सेकंड है कि जो इंटरनल मैकेनिज्म है या स्ट्रक्चर है एनालॉग मल्टीमीटर का, क्योंकि इसमें भी एक कॉइल यूज़ किया गया है एंड कॉइल इज़ मेड ऑफ अ कॉपर मटेरियल, तो कॉपर को भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, देर इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप, तो जो आपको एक्चुअल वोल्टेज मिलेगा मीटर पे वो हो सकता है कि लेस है दैन द एक्चुअल। तो दीज आर द टू मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ एनालॉग सिग्नल मेजरमेंट बाय यूजिंग एनालॉग मल्टीमीटर, ठीक है, तो आगे देखते हैं एनालिसिस ऑफ एनालॉग सिग्नल। So in electronics, if you develop or design some circuit, then to find how your circuit behaves. अगर आपने कोई सिस्टम या कोई एक सिंपल सर्किट डिज़ाइन किया है, ठीक है, तो अगर उसको आपको चेक करना है, ठीक है, तो उसको आपको एक इनपुट देना पड़ेगा, देन आफ्टर एक्साइटिंग द सिस्टम वन शुड चेक द आउटपुट ऑफ सर्किट। आप इनपुट अप्लाई करोगे वो जो भी सर्किट या सिस्टम है, एंड देन यू चेक द आउटपुट, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ आउटपुट सिग्नल एंड द इनपुट सिग्नल अप्लाई टू द सर्किट। जिस हिसाब से आप इनपुट अप्लाई करोगे उस हिसाब से आपको डिजायर्ड आउटपुट उसमें से आ रहा है या नहीं है, ये आप चेक करोगे, ठीक है। सो उससे आपको ये जो सिस्टम आपने डेवलप किया है या सर्किट आपने डेवलप किया है उसका जो बिहेवियर है वो आप एनालाइज कर पाओगे, मीन्स आपने जो डिजायर्ड आउटपुट आपको चाहिए जिसके लिए आपने ये सर्किट या सिस्टम डिजाइन किया है वो आपको मिल रहा है या उसमें कुछ एरर है, तो आप ये सिस्टम को या सर्किट को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है वो है इस तरह से, द प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर टास्क इज एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूअसली वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो द पर्सन हैज़ टू एक्सपर्ट इन टाइम डोमेन एनालिसिस। आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइन वेव एज अ इनपुट, सो ये जो साइन वेव है इट्स मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूअसली चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स वाई इट इज़ अ साइनोसाइडल सिग्नल, ठीक है, ये कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके लिए अगर इसका एनालिसिस करना है तो टाइम डोमेन एनालिसिस आना चाहिए ठीक से, ठीक है, तभी आप इसका जो आउटपुट है वो ठीक से मेज़र कर पाओगे, मीन्स फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है, तभी आप इसका एनालिसिस ठीक से कर पाओगे। सो एनालॉग सिग्नल का जो एनालिसिस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू द डिजिटल सिस्टम। नेक्स्ट है नॉइस। सो नॉइस इज़ अ मेजर इशू इन द एनालॉग सिग्नल।
सो नॉइस क्या होता है बेसिकली? नॉइस इज एन अनवांटेड सिग्नल विच विल गेट मिक्स अप विद द वांटेड सिग्नल. मीन्स नॉइस इज अनवांटेड सिग्नल जो मिक्स होगा आपके इनपुट सिग्नल के साथ या वांटेड सिग्नल के साथ. ठीक है, जो भी आपका आउटपुट एक्सपेक्टेड उसमें एक्सटर्नल नॉइस मिक्स हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, योर सिग्नल विल बी गेट नॉइसी. ठीक है, जो आप फिगर बी में देख पा रहे होंगे, एंड फिगर ए में जो दिया है वो आपका क्लियर सिग्नल है आउटपुट में, एंड फिगर बी में डिस्टॉर्टेड सिग्नल है ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ एक्सटर्नल नॉइस. सो नॉइज गेट इंट्रोड्यूस ड्यू टू द सर्किट इन द सर्किट ड्यू टू द EMI. ठीक है, EMI इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और RFI रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस. ठीक है, तो EMI इज बेसिकली कॉज बाय अ मोटर. सपोज कोई एक्सटर्नल मोटर है या इंटरनल मोटर है, मोटर में आपको पता है कि उसमें वाइब्रेशंस होते हैं बिकॉज इट हैज़ द रोटेटिंग पार्ट्स. सो फिगर में दिखाया है कि EMI इंटरफेरेंस का एक एग्जांपल जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर है एंड इट विल प्रोड्यूस सम वाइब्रेशन और साउंड लाइक नॉइस. इट इज़ अ वन ऑफ द टाइप ऑफ नॉइस. ओके, सो टू गेट द गुड सिग्नल क्वालिटी वन हैज़ टू डिज़ाइन अ सर्किट फिल्टर. ठीक है, और सर्किट कॉल्ड एज अ फिल्टर. ठीक है, तो ये आपका क्लियर सिग्नल है फिगर ए में. अगर आपको इसी तरह का सिग्नल आउटपुट में चाहिए तो ये जो नॉइस इंट्रोड्यूस हो रहा है जो फिगर बी में ड्यू टू दिस मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और RFI, तो आपको एक फिल्टर सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा एट द आउटपुट में, जो क्या करेगा, ये नॉइस को सप्रेस करेगा, नॉइस को निकाल देगा अनवांटेड सिग्नल को, एंड आपको जो आउटपुट में वो क्रिस्टल क्लियर सिग्नल जो आपको एक्सपेक्टेड है वो आपको प्रोड्यूस करके या जनरेट करके आउटपुट में देगा. सो दैट्स वाई फिल्टर्स आर यूज टू सप्रेस द नॉइज. तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है एनालॉग सिग्नल में कि आपको फिल्टर ठीक से डिज़ाइन करना पड़ेगा टू सप्रेस द नॉइज फ्रॉम द आउटपुट. तो ये दो है एनालॉग सिग्नल के मेन डिसएडवांटेजेस, जिसमें फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ एनालॉग सिग्नल विल बी डिफ़िकल्ट, मीन्स रीडिंग टेकन बाय यूजिंग एनालॉग मल्टीमीटर इज ऑल्सो चैलेंजिंग टास्क, एंड सेकेंड वन नॉइस इंटरफेरेंस, फॉर दैट फिल्टर सर्किट्स आर डिज़ाइन, दैट इज ऑल्सो सम टिपिकल पार्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ एनालॉग सिग्नल. सो दीज आर द मेन टू डिसएडवांटेजेस ऑफ एनालॉग सिग्नल्स. सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम इज द डिजिटल सिस्टम. ओके, बिकॉज सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू द टू टाइप्स, फर्स्ट इज द एनालॉग सिस्टम, सेकेंड इज द डिजिटल सिस्टम. तो पहले हमने एनालॉग सिस्टम कवर किया, उसमें हमने साइन वेव का एग्जाम्पल लिया, डेफिनेशन देखा एनालॉग सिस्टम का, उसके पैरामीटर्स देखे, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है एनालॉग सिग्नल का, साइकल्स कैसे काउंट होता है. ठीक है, उसके बाद हमने उसके चैलेंजेस देखे कि एनालॉग सिग्नल किस तरह से मेज़र होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं. देन उसके बाद हमने नॉइस का इंटरफेरेंस देखा कि नॉइस किस तरह से उसमें इंट्रोड्यूस हो सकता है, हाउ टू रिमूव दैट नॉइस बाय यूजिंग अ फिल्टर. देन सेकंड टाइप है डिजिटल सिस्टम. अब डिजिटल सिस्टम केम इनटू द पिक्चर टू आंसर द प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन एनालॉग सिग्नल. अब डिजिटल सिस्टम इसलिए पिक्चर में आया कि एनालॉग सिस्टम में कुछ डिसएडवांटेज थे, तो डिसएडवांटेजेस डिजिटल सिस्टम में रिमूव किए गए. ठीक है, तो डिजिटल सिस्टम रिक्वायर्स अ डिजिटल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट वन. तो डिजिटल सिस्टम के लिए जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा. डिजिटल इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फिक्स्ड नंबर. ठीक है, वहाँ पे आपका जो था मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज दैट इज अ एनालॉग सिग्नल. इट कैन बी अ वोल्टेज और करंट, बट डिजिटल इंफॉर्मेशन जो रहेगा वो फिक्स नंबर रहेगा, दैट इज अ नॉन कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिंबल्स कॉल्ड एज अ डिजिट्स. मीन्स डिजिटल सिस्टम में जो सिग्नल या इंफॉर्मेशन रहेगा वो इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स रहेगा. ठीक है, मीन्स फॉर एग्जांपल हम इसके लिए ले सकते हैं स्क्वायर वेव, यहाँ पे दिखाया है. तो ये जो सिग्नल है ये आपका स्क्वायर वेव है. तो डिजिटल सिग्नल बेसिकली बिट्स के फॉर्म में है. ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर वेव हो गया. ये जो आप देख पा रहे होंगे रेड कलर के मार्कर से, वो आपका स्क्वायर वेव फॉर्म है. ठीक है, मीन्स इट हैज़ ओनली टू वैल्यूज़,
वन एंड जीरो, मीन्स हाई वैल्यू इज वी एच, वी फॉर वोल्टेज एंड एच फॉर हाई, वी एच मीन्स इट विल बी अ वन एंड वी एल मीन्स जीरो लो वोल्टेज, ठीक है। तो डिजिटल सिस्टम में दो ही वैल्यू होते हैं, जीरो एंड वन, इट हैज़ ओनली टू वैल्यू, जीरो एंड वन ओनली, ओके। इसके बीच कोई वैल्यू नहीं रहेगा, मीन्स ना उसमें 0.1 रहेगा, 0.2, 0.5, ओके, ना ही 1.5, 2.5, इस तरह से कोई डिजिट नहीं होगा, इट हैज़ ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यू, इसलिए उसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल भी कहते हैं, जीरो एंड वन। और हमें जो पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हमें प्योर डिजिटल सिस्टम पढ़ना है, तो टोटल सब्जेक्ट में हम जीरो एंड वन के लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे या बात करेंगे डिजिटल में, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल आपका स्क्वायर वेव, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है, जहाँ मैंने मार्किंग किया है, ये आपका ज़ीरो है, फ्लैट मीन्स ये ज़ीरो सिग्नल है, ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीज हुआ, देन अगेन फ्लैट, तो इट विल बी अ वन, देन अगेन इट विल बी अ ज़ीरो, जो फ्लैट सरफेस है वो आपका ज़ीरो है, ठीक है। देन अगेन इट विल इंक्रीज टू अ मैक्सिमम वैल्यू अप टू वी एच, मीन्स ये आपका वन हो गया, ठीक है, मीन्स इस तरह से है। तो ये आपका वन हो गया फ्लैट सरफेस, मीन्स ये वन डिजिट हो गया इन टर्म्स ऑफ सिग्नल, ठीक है, सॉरी ये ज़ीरो है फ्लैट, ये आपका वन है, ये फ्लैट ज़ीरो है, ये आपका वन है, ये अगेन ज़ीरो है, सो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो, ठीक है। सो इस तरह से डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट होता है इन टर्म्स ऑफ ज़ीरोज एंड वन डिस्क्रीट वैल्यूज़ में, इट हैज़ ओनली टू वैल्यूज, ज़ीरो एंड वन। तो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे हमें इसी लैंग्वेज में और इसी ज़ीरो एंड वन टर्म्स में आगे आपको पढ़ना है पूरा डिजिटल, ठीक है। तो ये सब क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों सिग्नल का मिक्सचर दिखाया है, स्क्वायर वेव इज़ द डिजिटल सिग्नल, एंड जो डिस्टॉर्टेड सिग्नल आप देख पा रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ साइन वेव, ये डिस्टॉर्टेड सिग्नल, ये आपका एनालॉग सिग्नल है। तो दोनों का कंपैरिजन किया है, तो दोनों में क्लियर कट समझ में आ रहा है कि डिजिटल सिस्टम हैज़ अ क्रिस्टल क्लियर वैल्यूज़, मीन्स नॉइस का इसमें इंटरफेरेंस कम से कम होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू योर एनालॉग सिग्नल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये प्योर सिग्नल नहीं है साइन वेव, ठीक है, साइन वेव इस तरह से होता है क्लियर वेव फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है इस तरह से ड्यू टू द नॉइस जो हमने अभी स्टडी किया, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस की वजह से, RFI की वजह से, या जो भी एनवायरमेंटल नॉइस है उसकी वजह से सिग्नल डिस्टॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सो डिजिटल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, बिट्स मीन्स वन एंड ज़ीरो, ओके।
तो नेक्स्ट देखेंगे हम रिलायबिलिटी कि डिजिटल सिस्टम का कितना रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू योर एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो पहला एनालॉग सिग्नल जो है वो हमने देखा कि उसमें कंटिन्यूस वेव फॉर्म है, मीन्स इट हैज़ अ मोर इंटरमीडिएट वैल्यूज़ बिटवीन वी एच एंड वी एल। तो हाई और लो के बीच में अलग अलग मैग्नीट्यूड्स है क्योंकि वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसमें जीरो है, सपोज 0.1 है टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए, 0.2 है टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए, 0.3 है, इस हिसाब से उसके मैग्नीट्यूड अलग अलग है, वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसमें बहुत सारी इंटरमीडिएट वैल्यूज़ है बिटवीन हाई एंड लो के बीच में। ठीक है, तो बाइनरी में इस तरह से नहीं है, बाइनरी में आपके डिस्टिंक्ट वैल्यू है, मीन्स उसमें एक तो आपका जीरो है एंड वन है, वी एच मीन्स योर वन एंड वी एल मीन्स जीरो, तो उसके बीच कोई इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं है, तो उसका प्रिडिक्शन ईजी है इन टर्म्स ऑफ वंस एंड जीरोज। तो बाइनरी सिग्नल्स पे हम रिलाय कर सकते हैं, ठीक है, या उसका प्रोसेसिंग ईजीली हो सकता है। तो ये एक एडवांटेज है और एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिस्टम का। सेकंड है डिसीजन मेकिंग। नॉर्मली डिजिटल सिस्टम आर यूज टू कंट्रोल प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल सिस्टम यूज़ होता है। टू अचीव दिस इट हैज़ टू परफॉर्म टेस्ट और डिसीजन मेकिंग। ओके, मीन्स ट्रू और फॉल्स कंडीशन में, ठीक है, इफ़ एक्स इज ट्रू देन स्विच इज ऑन, एस वन इज ऑन। ओके, जैसे हमने अभी बल्ब का एग्जांपल लिया, वहाँ पे स्विचेस कनेक्ट किए एस वन एंड एस टू, तो एस वन इज ऑन देन इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रू। ओके, एंड व्हेन वाई इज फॉल्स स्विच एस टू इज ऑफ, मीन्स स्विच एस टू इज ऑफ देन इट विल बी अ वाई इज फॉल्स। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, मीन्स वन है तो आपका ट्रू है, ट्रू है मीन्स ऑन है, जीरो है मीन्स आपका फॉल्स है, एंड स्विच इज ऑफ, सिंपल। सो डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो इस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम वर्क करता है ट्रू और फॉल्स में, बट ऐसे आप एनालॉग सिस्टम में नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो दस वेरिएबल सिग्नल्स विल डिसाइड द फाइनल कंट्रोलिंग आउटपुट। तो इसका आउटपुट जो है डिजिटल सिस्टम का, वो आप बाई यूजिंग डिसीजन मेकिंग वी कैन कंट्रोल द आउटपुट इफिशियंटली। थर्ड जो एडवांटेज है वो कन्वेंशन है। बाइनरी सिस्टम हैज़ टू स्टेट, वन एंड ज़ीरो आर यूज टू रिप्रेजेंट द डिजिटल सिस्टम। तो बाइनरी में दो ही स्टेट्स है, एक वन है डिजिट एंड दूसरा डिजिट है ज़ीरो, तो ये दोनों यूज़ होते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिखाया हाई लॉजिक मीन्स वन मीन्स वी सी सी इज इक्वल टू 5 वोल्ट। अगर 0 to 5 वोल्ट हम एक वोल्टेज का सिग्नल लेते हैं, ठीक है, जिसका मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो इस तरह से इसका वी एच क्या होगा आपका हाई वैल्यू दैट इज़ 5 वोल्ट, एंड वी एल क्या होगा आपका 0 वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। एंड वही अगर आप डिजिटल में रिप्रेजेंट करोगे तो इन टर्म्स ऑफ 1 एंड 0 5 वोल्ट्स मीन्स योर वी एच इज 1 इन डिजिटल, 0 वोल्ट मीन्स योर वी एल इज 0 इन डिजिटल और इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो कन्वेंशन है वो इजी है एज़ कम्पेयर टू योर एनालॉग सिस्टम। ठीक है, तो ये एक अनदर एडवांटेज है आपका डिजिटल सिस्टम का ओवर एनालॉग। सो डिजिटल सिस्टम का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी का जो कंडीशन है या अभी तक जो रिसर्च यूज़ हो रहा है तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम यूज़ हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में, देन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर है, डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिटल डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट्स है, LED, LCD। ठीक है, तो टोटल डिजिटल वर्ल्ड है ड्यू टू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। ठीक है, द मोस्ट वाइड एप्लीकेशन इज़ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर टोटली वर्क करता है आपका डिजिटल सिस्टम में। ठीक है, कंप्यूटर को ओनली वंस एंड जीरोज़ के फॉर्म में लैंग्वेज समझ में आता है, बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, तो कंप्यूटर विल प्रोसेस द डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, तो इसकी वजह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द मेन सब्जेक्ट इन IT। तो एनालॉग सिग्नल्स को हम डिजिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एंड डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, तो उसके बाद हम मेन जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम,
जिसके क्वेश्चन पूछे जा सकते एग्जामिनेशन में। अब हमारे यहाँ से मेन सिलेबस स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिक है अभी जो जो हमने कवर किया वो, एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, डिजिटल सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट होता है बाइनरी फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ वंस एंड जीरोज, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल सिस्टम और डिजिटल सिग्नल इज स्क्वायर वेव। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिस्टम इज अ सिंपल साइन वेव, साइनोसाइडल वेव फॉर्म, ठीक है। ये सब बेसिक हो गया। अभी हमें मेन सिलेबस स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में थ्योरी नहीं आएगा, बट इसमें जो नंबर सिस्टम है वो आपको पढ़ना है, एंड इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसके कुछ डिफाइंड स्टेप्स है या रूल्स है, तो वो रूल्स आपको पता होने चाहिए। रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो नंबर सिस्टम को बेसिकली फोर टाइप्स में कैटेगरीज किया गया है, ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सो बेसिक नंबर सिस्टम को चार टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो बाइनरी सिस्टम है, सेकंड ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल सिस्टम। तो ये चारों टाइप्स आपको पहले बेसिकली पढ़ना है कि डेसिमल सिस्टम क्या है, बाइनरी सिस्टम क्या है, ऑक्टल सिस्टम क्या है और हेक्साडेसिमल। तो प्रॉब्लम इसी पे आएंगे, और आपको उसके बाद इंटर कन्वर्जन पढ़ना है कि डेसिमल को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या रूल्स है, देन बाइनरी को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, देन बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, देन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्जन हमें लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम से। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो आप जो डेली यूज़ में यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम, वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। मीन्स इसका जो बेस है वो 10 है, 10, ठीक है। सो बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। मीन्स जो भी डिजिट रिप्रेजेंट होंगे वो 10^ पावर रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब ये फॉर एग्जांपल नंबर है 786, इट हैज़ अ 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग डिजिट्स के नंबर ले सकते हैं, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, ठीक है। तो हर डिजिट्स को एक पावर है या एक वेटेज है। 7 को अलग से पावर है, 8 को अलग से पावर है, 6 का पावर अलग है, ठीक है। तो बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, ये हमेशा ध्यान में रखना। डेसिमल का जो बेस है वो 10 है, 10^ पावर ही हमें लिखना पड़ेगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट काउंट होगा। मीन्स जो फर्स्ट आपका 7 है वो 100 पार्ट्स में है, देन 10^8 जो है, एंड 6 इज यूनिट, ठीक है, पावर उसका दिया हुआ है। ये 3 डिजिट्स का है, तो नीचे दिया एग्जांपल 786 का अगर पावर लिखना है आपको इन टर्म्स ऑफ डेसिमल सिस्टम, तो 7 जो है फर्स्ट डिजिट उसका पावर है 10^2, मीन्स 100 का पावर। 10^2 मीन्स योर 100। सेकंड जो डिजिट है वो 8 है, 8 का पावर जो है 1 है, 10^1, टेंस मीन्स 10^1 मीन्स 10, ठीक है। एंड थर्ड जो है वो 6, उसका जो पावर है वो आपका यूनिट है, ठीक है, 1 10^0। तो इस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट होता है। मीन्स सिंपली डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज इन डे टू डे लाइफ। इट हैज़ बेस ऑफ 10 और पावर ऑफ 10 विल बी रिटन, एंड ईच नंबर हैज़ अ इट्स वेट, ठीक है। हर नंबर का जो पोजिशंस है उसका एक वेट है, उस हिसाब से उसका पावर रहेगा। जैसे हमने 7 का पावर लिया यहाँ पे 100 10^2, 8 का पावर लिया हमने 1, ठीक है, देन 6 का जो पावर लिया वो हमने 0 लिया है, ठीक है। सो ये आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम है, सिंपली मीन्स इट हैज़ अ वेटेड नंबर सिस्टम। सो योर डेसिमल सिस्टम इज़ अ वेटेड नंबर सिस्टम इन शॉर्ट। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में पावर्स है, हर पोजीशन पे अलग अलग पावर्स है, ठीक है। सो दिस नंबर सिस्टम इज़ वेटेड नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम विल हैव वेट्स यूज्ड इन द पावर ऑफ नंबर 10, 10^ पावर ही हम लिख सकते हैं। अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग उसका वेट रहेगा, ठीक है। तो
ये आपका इंटीजर पार्ट के लिए हो गया, ये प्योर होल नंबर था, ठीक है, बट डेसिमल नंबर सिस्टम भी आ सकता है इसमें, ठीक है, फ्रैक्शन में, तो उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है डेसिमल पॉइंट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 1.414, ठीक है, तो इसको अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो सेम चीज़ करना पड़ेगा, बट यहाँ पे देखो फर्स्ट जो रहेगा 1 × 10⁻⁰, फर्स्ट का जो पावर रहेगा, ठीक है, 1 × 10⁻⁰ प्लस 4, बट यहाँ पे पावर निगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे उसका फ्रैक्शन है, डॉट है, ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक LHS साइड, दूसरा RHS साइड में। तो LHS साइड में हमेशा पॉजिटिव पावर्स रहेंगे, जैसे आप ग्राफ में लिखते हो x एक्सिस y एक्सिस में, जिस तरह से आप निगेटिव एंड पॉजिटिव लिखते हो, जीरो के प्लस साइड +1 +2, डाउन साइड में आप 0 -1 -2, इस हिसाब से यहाँ पे भी डिवीजन किया है। तो LHS साइड में जो भी डिजिट्स रहेंगे वो पावर्स पॉजिटिव रहेंगे, जैसे डॉट के पहले LHS साइड में 1 है, तो 1 × 10⁻⁰ प्लस जो RHS साइड में 4 × 10⁻⁰ फर्स्ट -1, देन सेकंड डिजिट जो आपका 1 है तो वो 1 × 10⁻², एंड थर्ड जो डिजिट है वो 4 है, 4 × 10⁻³, ठीक है। तो इस तरह से फ्रैक्शनल या फ्रैक्शनल पार्ट का हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम दोनों पे भी आ सकते हैं, इंटीजर पे भी आ सकता है एंड फ्रैक्शनल या डेसिमल पॉइंट पे भी प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो बेस है डेसिमल नंबर सिस्टम का या जो बेस है उसे हम रेडिक्स भी कहते हैं, ठीक है, सो रेडिक्स इज डिनोटेड बाय आर, और बेस को ही रेडिक्स कहते हैं, मीन्स वन एट द सेम थिंग है, बेस लो या आप रेडिक्स लो, बेस भी रिप्रेजेंट होता है आर से एंड रेडिक्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर आर, ओके। तो यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, सिस्टम नेम, बेस एंड डिजिट, मीन्स आप उसका मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, तो ये टेबल आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए, ये बेसिक है, ये पता होगा तो ही नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे और आगे के यूनिट में भी नंबर सिस्टम हमें लगने ही वाला है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं टेबल में, फर्स्ट जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, हमने देखा डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है या रेडिक्स है वो 10 है, 10⁻⁷, जैसे हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का एग्जांपल लिया है, इंटीजर पॉइंट का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो हम मैक्सिमम कितने नंबर लिख सकते हो डेसिमल में, 0 to 9, स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, तो अगर इसको आप काउंट करोगे टोटल, तो ये टोटल 10 नंबर्स है, ठीक है। डिजिटल में 0 से आपका 1 काउंट होता है, ये 1 है, 2, 3, ठीक है, तो ये आपका लास्ट आएगा 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। मीन्स ये डे टू डे लाइफ जैसा नहीं है आपका, जैसे आप जनरल नंबर सिस्टम लेते हो, 0 को 0 काउंट करोगे, ठीक है, यहाँ पे वैसा नहीं होता है, 0 मीन्स आपका 1 रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल नंबर अगर काउंट करोगे आप 0 to 9, सो दैट विल बी अ 10 नंबर्स, सो दैट्स वाई बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, सो वी कैन राइट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, तो 0 to 9 नंबर ही आप लिख सकते हो डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो सिस्टम है आपका वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में उसका जो बेस है रेडिक्स या बेस आर इज 2, तो उसका जो पावर लिखोगे आप 2⁻⁴ रहेगा, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम डिजिट्स कितने लिख सकते हो, तो ओनली 2, जैसे हमने डिजिटल सिस्टम का एग्जांपल लिया जिसमें 2 डिस्क्रीट वैल्यू है, एक 0 एंड सेकंड जो आपका वो 1 है, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड जो नंबर सिस्टम है वो आपको स्टडी में नहीं है, टेनरी। नेक्स्ट जो है वो आपका ऑक्टल है, तो ऑक्टल में जो बेस है या रेडिक्स है थर्ड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में, ठीक है, तो वो 8 है,
मीन्स 8 रेस टू द पावर, जैसे हमने डेसिमल में 10 यूज़ किया है 10 रेस टू द पावर, बाइनरी में 2 यूज़ किया है 2 रेस टू द पावर लिखेंगे हम, तो वैसे ही ऑक्टल में 8 है, ऑक्टेट मीन्स 8। ओके, तो मैक्सिमम नंबर जो लिख पाओगे आप इसमें वो है 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप 0 से काउंट करोगे तो वो आपका 1 होगा यहाँ पे, 0 means 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन इज़ द 8। सो दैट्स वाई बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज़ 8, मीन्स वी कैन राइट द नंबर फ्रॉम 0 to 7 ओनली। तो इसमें 8 9 नंबर कभी नहीं आएगा ऑक्टल में, और ना ही बाइनरी में 0 1 के अलावा कोई नंबर आएगा। ठीक है, मीन्स 3 4 5 ये पॉसिबल ही नहीं बाइनरी नंबर सिस्टम में, एंड डेसिमल में भी 10 11 12 ये पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम लिमिट आपका 0 to 9 है डेसिमल में, बाइनरी में 0 एंड 1 है, एंड ऑक्टल में 0 to 7 है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम समझ में आएंगे। एंड लास्ट जो सिस्टम है वो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्सा मीन्स 16। ठीक है, सो बेस और रेडिक्स ऑफ हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ अ 16 1 6। सो इसका जो पावर लिखेंगे हम हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम का वो 16 रेस टू द पावर आएगा। ठीक है, सो जो मैक्सिमम नंबर्स है वी कैन राइट बाय यूजिंग हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ फ्रॉम 0 to F। ओके, क्योंकि अभी इसमें क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, बट 10 इज़ रिटन एज ए कैपिटल ए, 11 इज़ रिटन एज बी, 13 इज़ रिटन एज सी, 14 इज़ रिटन एज योर डी एंड ई एंड एफ। ओके, सो टोटल डिजिट्स अगर आप काउंट करोगे तो ये आएंगे आपके 16, जैसे हमने लास्ट टाइम लिया 0 is 1 एंड एफ इज़ योर 15, 0 is count as your 1 एंड सॉरी एफ इज़ काउंट एज अ 16 अगर आप काउंट करोगे तो 0 to 16। ठीक है, सो दैट्स वाई बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। ठीक है, सो 10 जो आपका है वो रिप्रेजेंट एज अ ए, बी एज अ 11, सी एज अ 12, डी एज अ 13, ई एज अ 14 एंड ये जो आपका लास्ट है एफ इज अ 15। ठीक है, सो 0 to 15 नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड विच हैज़ द बेस ऑफ 16। तो इस तरह से आपके चारों नंबर सिस्टम के बेस पता ही होने चाहिए एंड मैक्सिमम कितनी डिजिट्स आप इसमें लिख सकते हो ये भी आपको पता ही होना चाहिए, तो ही नंबर सिस्टम समझ में आएगा, नहीं तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर ये बेसिक क्लियर नहीं। तो फर्स्ट डेसिमल लेना है हमें, देन बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, ये चारों ही नंबर सिस्टम हमें डिटेल में पढ़ना है और इसका इंटर कन्वर्जन जिसमें हमें प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम लेंगे एंड उसके जो स्टेप्स है उस पर हम स्टेप्स लेके फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डेसिमल नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। और वीडियो स्किप करके प्लीज़ मत देखिए, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप पूरा स्टार्ट टू एंड तक का वीडियो देखिए तो ये नंबर सिस्टम चैप्टर आप अच्छे से समझ पाओगे। सो थैंक यू।